अस्सलाम वालेकुम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 10 है, सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, ठीक है। और ये वीडियो का यानी ये चैप्टर 4 का कौन सा पार्ट है? पार्ट ये हमारा 3 है। चलिए अस्मिका, मैं आपको पहले बतला दूं, अब तक 4.2 से फाइनल एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा। फिर भी आपको ये आना चाहिए कि अस्मिका होती क्या है और कैसे इसके सवाल हम सॉल्व करते हैं। अब तक नहीं आया है, इसके जो मोस्ट क्वेश्चन थे चैप्टर 4 के मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। तीसरा, चौथा और पांचवा वो आपको अच्छे से करना है, उसमें भी पांचवा सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन पे मैं ध्यान देना है, जो 4.1 का मैंने आपको कराए थे। अभी तीसरा पार्ट है, इसमें हम अस्मिका के बारे में पढ़ेंगे, आना चाहिए हमें ये भी, ठीक है ना। अस्मिका क्या होती है? एक गणितीय कथन जिसमें चर एवं चिन्ह, कौन कौन से चिन्ह भाई? ये वाला, ठीक है ना, बड़े का चिन्ह, छोटे का, और ये क्या है, इसमें देखिए बड़े का चिन्ह भी आ रहा है और ये जो नीचे लाइन खींची हुई है ये इक्वल का साइन है, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये आपका इक्वल का साइन है, और ये आपका लेस देन का साइन है, और ये आपका इक्वल का साइन है, ठीक है। तो अगर किसी सवाल में आपको ये वाले साइन मिल रहे हैं, कौन कौन से वाले साइन मिल रहा है भाई? ये या इनमें से कोई साइन मिल रहा है तो क्या कहलाता है? अस्मिका कहलाता है। समझ में आई? किसी बात को, किसी कथन को, जैसे मैं बोलूँ एक्स बराबर 5 है, ये हो गई एक बात, इसको लिखना गणितीय रूप में ये कहलाता है। एक हिंदी रूप में अगर मैं वैसे बोलूँ एक्स बराबर कितने हैं? 5 है। एक्स किसके बराबर है? 5। ये तो कथन हो गया आपका। इस कथन को कौन से रूप में लिखना? गणितीय रूप में लिखना। वो जैसे ही हो गया एक्स बड़ा है या इक्वल है किसके? 5 के। बात आ रही है आपको समझ में? तो गणितीय कथन समझे, सिंपल कथन, जैसे मैंने बोल दिया एक्स बराबर 5 है, ये कथन हो गया आपका, ये बात हो गई आपकी एक, है ना। अब इसको अगर मैं गणित के रूप में लिख दूँ तो ये क्या कहलाएगा? गणितीय कथन। तो ये आपका गणितीय कथन कहला रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये एक सवाल है हमारे पास, ये गणितीय कथन है, इसके अंदर क्या है आपका एक्स भी है, 5 भी है यानी चर भी है, और एक आपकी अचर संख्या भी है, और ये वाला साइन इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला आगे नहीं आ गया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? अस्मिका। क्लियर? तो इसमें हम अस्मिका को सॉल्व करना सीखेंगे। क्या क्या करेंगे देखिए, अस्मिका वाले सवाल सॉल्व करने के लिए काम देख लीजिए, कौन कौन से काम करने हैं। पहला काम क्या करना है आपको? पहला काम आपको ये करना है, जब भी आप अस्मिका वाला सवाल सॉल्व करोगे, अस्मिका को सामान्य समीकरण में बदलोगे। समझ में आया? यानी पहला काम क्या होगा? अस्मिका को समीकरण में बदलना। क्लियर? समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर का निशान लगा हुआ था। जैसे अगर मैं इसको बदलूँ तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 5। दूसरा काम क्या होगा? ग्राफ बनाना। क्या बनाना? ग्राफ। अब देखिए, ग्राफ बनाना मतलब क्या? जो आपने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा वो सारा का सारा इसके साथ करोगे, ठीक है ना। यानी इससे क्या बनाओगे? डब्बे बनाओगे, समीकरण को सोल्व करोगे, उसको जमाओगे, उससे क्या बनाएंगे हम? डब्बे बनाएंगे, और डब्बे से ग्राफ बनाएंगे, यानी ग्राफ बनाना। बात समझ में आई आपकी? ग्राफ बनाना। और तीसरा काम करेंगे अस्मिका की जांच। क्या है? अस्मिका की जांच। बात आई समझ में? ठीक है। तो ये अस्मिका की जांच कैसे करेंगे? अस्मिका की जांच हम ऐसे करेंगे, जो हमारा सवाल होगा ना उसमें x बराबर 0 रख देंगे, x और y बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। यानी अस्मिका के अंदर x बराबर 0 या y बराबर क्या रख देंगे हम? 0 रख देंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे x बराबर क्या रखा जांच करने के लिए, x बराबर x है, इसमें x का मान क्या रख दूंगा? 0, ठीक है भाई, ये रख दिया मैंने 0। अब 0 रख दूंगा तो एक बात मुझे बताओ, क्या 0 5 से बड़ा होता है? क्या 0 5 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। यानी आपको खुद से सवाल करना है, क्या 0 5 से बड़ा है? तो 0 5 से बड़ा नहीं होता। अगर तो इसको हम क्या कहेंगे? ये संतुष्ट नहीं है। क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। अस्मिका की जांच में 2 चीज़ें देखी जाती है, नंबर 1 संतुष्ट है या संतुष्ट, और नंबर 2 संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट और असंतुष्ट की जांच की जाती है। अगर ये वाली बात सही होती है तो हम इसको संतुष्ट बोल देंगे, अगर ये वाली बात गलत है तो हम इसको क्या बोल देंगे? असंतुष्ट। बात समझ में आई? अब आगे एक चीज़ और समझा दूँ मैं आपको, कि ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है, जब हम ग्राफ बनाए गए ऐसे, ठीक है ना। ये मूल बिंदु हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका वाई अक्ष हो गया। अगर ये चीज़ संतुष्ट है, समझ में आ रही बात, अगर संतुष्ट होगी तो इसका जो हल क्षेत्र होगा ना वो इस साइड होगा। क्या होगा? इस साइड। और अगर संतुष्ट नहीं है
तो हल क्षेत्र क्या है, मूल बिंदु के बाहर की तरफ होगा, किस साइड होगा, बाहर की तरफ होगा। ये जब हम सवाल करेंगे तब और समझा देंगे, अभी तो मोटे तौर पे आप ये बात याद रखिए, अस्मिका को पहले समीकरण में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, बदलेंगे, समीकरण में बदलेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और तीसरा काम क्या होगा, अस्मिका की जांच। अस्मिका की जांच में देखेंगे कि ये एक्स और वाई के मान रखने के बाद अस्मिका संतुष्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर एक्स और वाई के मान रखने के बाद ये वाला समीकरण आपका कैसा होता है, संतुष्ट होता है, तो हम इसको बोल देंगे इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, अगर संतुष्ट नहीं होगा तो हल क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। क्लियर, अब करना शुरू करता हूँ मैं और आपको सवाल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चाहो तो ये चारों पॉइंट। तो पहला सवाल देखिए, निम्न अस्मिकाओं का आलेख्य विधि से हमें क्या करना है, हल समुच्चय दर्शाइए, ये हमारा सवाल है। अच्छा देखिए, इसमें चार सवाल है पहले सवाल के अंदर, तो उसका मैं पहला सवाल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, समीकरण में बदलेंगे। तो ये हमारा सवाल है, अस्मिका है, अस्मिका कैसे चेक करा हमने कि ये ग्रेटर देन का और इक्वल का साइन आ रहा है। इन चारों साइन में से कोई सा भी अगर साइन आपको मिल जाता है तो और सवाल के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अस्मिका कहलाएगी। अस्मिका को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करते उसको समीकरण में बदलो। समीकरण में बदले साहब, ये बदलते हैं, चलिए समीकरण में बदलने का तरीका बहुत आसान है। एक्स लिख दो, ये वाला साइन हटा दो, केवल ये लगा दो। क्लियर है, सही है जी, बिल्कुल सही है। चलिए अब हमें क्या करना है, समीकरण से ग्राफ बनाना है, यानी ग्राफ वाला पूरा पैटर्न मेरा दिमाग में चलेगा। 4.1 में हमने क्या काम करा था, सवाल को जमाना, ये तो पहले से जमा हुआ है, एक साइड एक्स बैठा हुआ बाकी सब दूसरी साइड है। दूसरा काम क्या था, डब्बे बनाना, तो ये मैंने डब्बे बनाए, ठीक है। डब्बे बनाने में क्या करते थे हम, एक्स और वाई के मान निकालते थे, एक्स और वाई के मान, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे y के मान है, नहीं है इस सवाल के अंदर, y है नहीं, तो आप y के मान कुछ भी रखो, y का मान कुछ भी रखो, x का मान क्या आने वाला है, दो ही आएगा। बात आ रही है समझ में, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने y का मान रखा है 0, x का मान कितना आएगा, 2। मैंने y का मान रखा है क्या है, 1 या 2 कह लो, चलो 1 रखते हैं, मैंने तो नियम कहता ना ऐसे रखते हैं, एक। मैं वाई का मान 1 रखा, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे वाई है ही नहीं, यहाँ पे वाई है ही नहीं, तो एक्स का मान क्या आएगा, 2 का 2। बात आ रही है समझ में, क्लियर, क्योंकि देखो यहाँ पे वाई का मान ही नहीं है, यहाँ पे वाई है नहीं, और जब वाई है ही नहीं तो इस पर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, समझ में आई बात, क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैंने वाई बराबर 0 रखा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, 2। मैं फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल के अंदर वाई है ही नहीं, अब जब सवाल में y है ही नहीं तो y का प्रभाव x पे पड़ेगा नहीं, x का मान तो वही का वही आएगा, ठीक है ना। तो मैंने y बराबर 0 रखा, x बराबर 2, y बराबर 1 रखूँगा तब भी x बराबर क्या आएगा, 2। y बराबर आप 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, x का मान क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर y है ही नहीं, ठीक है जी। ये वाला काम हो गया, डब्बे बन गया। तीसरा काम क्या था हमारा, ग्राफ बनाना, जिस इसके अंदर 4.1 की बात कर रहा हूँ, तो ग्राफ बनाना। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, चलिए यहाँ देखिए आप, ये बहुत ही प्यारे सवाल होते हैं, ये रहे, ठीक है, ओके। ये आपका मूल बिंदु हो गया, एक्स के मान मैक्सिमम 2 जा रहा है, आप 3 तलक ले लो, ठीक है। ये मैंने ले लिया 1, ये मैंने 2, और ये मैंने लिख दिया 3। वाई के मान 1 तलक जा रहा है, तो आप ये ले लो वाई के मान, ये रहा देखो वाई का मान, 1 यहाँ लिख देता हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2। क्लियर है, चाहो तो आप इस साइड में लिख दो -1 और -2, ये आपका मूल बिंदु हो गया। ये x है, ये आपका x डैश है, ये y है, और ये आपका y डैश है। अगर सवाल जमाते, y बराबर क्या है, 0, और x बराबर 2, ठीक है ना। तो देखो कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जब 4.1 में कि जोड़े में देखते, अगर 0 आ रहा है ना, अगर 0 आ रहा है तो भाई साहब 0 को मत देखो, केवल किसको देखो, x को, x बराबर कितने हैं, 2, और 2 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर। क्लियर है, ओके, ये पॉइंट मिल गया आपको। अच्छा दूसरी बात, अब दोबारा लिखेंगे, जोड़ा देखेंगे,
x बराबर कितना है आपका 2 और y बराबर कितना है आपका 1। तो देखो x बराबर 2 y बराबर 1 ही रहा, ये आ गया आपका पॉइंट, मिल गया साहब। कितना आसान तरीका है, ठीक है ना। इजी से इजी कर देता हूँ मैं सवाल आपके लिए, और बिल्कुल इजी है, देख लो साहब आप, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, आप दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई क्या खींच दोगे, लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। चलिए ग्राफ बना रहे हैं ना, पहला ये हो गया आपने ए, ये यहाँ पे खींच दिया आपने, और ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे गोला कर दिया आपने, ये यहाँ पे गोला कर दिया। क्लियर है साहब? ओके। अब देखिए आप क्या करोगे, ये ग्राफ बन के मेरा क्या हो गया, तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अस्मिका की जाँच। अस्मिका की जाँच कैसे करते हैं, यहाँ लिख देंगे, अस्मिका की जांच। जांच में क्या करेंगे, x का मान 0 रख देंगे, y का मान 0 रख देंगे। कैसे करते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 अस्मिका में रख देते हैं, अस्मिका में रखने पर, ठीक है ना, यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास y है, नहीं है, तो 0 ही रहेगा। x बराबर क्या रख दूंगा, 0, ये मैंने रख दिया 0, ठीक है, ये लो जी, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ आप कैसे कर, है ना, अब मुझे एक बात ये बताओ, क्या 0 2 से बड़ा होता है, क्या 0 2 से बड़ा होता है, नहीं होता साहब, सही है ना। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, क्या ज़ीरो 2 से बड़ा होता है, आप कहोगे नहीं होता सर, ठीक है ना। अगर नहीं है तो अस्मिका क्या हो गई आपकी, असंतुष्ट हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, असंतुष्ट। क्लियर बात है, समझ में। देखिए 0 2 से बड़ा नहीं होता, 0 2 से बड़ा नहीं होता, इसलिए अस्मिका क्या हुई आपकी, असंतुष्ट, ठीक है ना, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 पर अस्मिका असंतुष्ट है, ठीक है, अतः हल समुच्चय मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। ये समझाता हूँ मैं, समुच्चय का मतलब होता है आपका, समुच्चय का मतलब समझा देता हूँ भाई, आपको दिक्कत आएगी तो, ठीक है ना। देखिए समुच्चय का मतलब क्या होता है, समुच्चय का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा होना, संग्रह होना, इकट्ठा समझते हो, कई सारे पॉइंटों का एक जगह होना, वो आपको क्या कहलाता है, समुच्चय, ठीक है। जैसे कई सारे लोग एक जगह बैठे हो एक ही टाइप के, वो आपका क्या कहलाता है, समुच्चय। जैसे मान लीजिए आपने कांच के गिलासों का सेट रख रखा है, तो क्या कहलाएगा, समुच्चय। मान लीजिए आपने किताबों का कलेक्शन कर रखा है, ये क्या कहलाएगा आपका, समुच्चय। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके जितने भी हल हो गए, इसके इस वाली अस्मिका के जितने भी हल हो गए, 1 2 3 4 5, उन सारा का सारा जो समुच्चय है वो किस साइड होगा, मूल बिंदु से बाहर की तरफ, किधर होगा, मूल बिंदु से बाहर की तरफ। तो इस तरफ क्या बना देंगे, इसमें लाइनें बना देंगे, क्या बना देंगे, लाइनें बना देंगे, क्लियर है। ये आपका मेरे हिसाब से सवाल पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है, क्लियर है। आप चाहो तो इसको शेडिट भी कर सकते हैं, मैं इसको इतना करा के छोड़ रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब ज़रा मैं रिपीट मार देता हूँ फटाफट, हमने क्या क्या करा, निम्न अस्मिकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए, हल समुच्चय में दर्शाना था। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारा सवाल है ये अस्मिका है, अस्मिका कैसे पता चला कि इसमें ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आ रहा है, अगर इन चारों में से कोई सा भी साइन आपको यहाँ पर मिलता है सवाल के अंदर तो ये अस्मिका कहलाएगी। फिर मैंने ये चेक करने के बाद मैंने इसको समीकरण में बदला, समीकरण में बदलने का तरीका क्या है, ये ग्रेटर देन का साइन हटा दीजिए और बराबर का निशान
लगा रहने दीजिए, यानी x बराबर टू इस समीकरण में बदल गया। समीकरण में बदलने के बाद मैंने 4.2 वाले सारे नियम लगाए और मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया। उसका नियम क्या था, पहले सवाल को जमा लेना, तो मैंने जमाया। जमाने के बाद मैंने डब्बा बनाया, डब्बा बनाने के बाद मैंने क्या करा, y के मान रखे और x के निकाले, क्योंकि देखिए यहाँ पे y है ही नहीं, तो मैं y के मान कुछ भी रखूँ, x का मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो मैंने y बराबर 0 रखा, x बराबर 2 आया, y बराबर 1 रखा, 2 आया। फिर मैंने क्या बनाया, इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या करा, इन दोनों जोड़ों में देखा, मैंने आपसे कहा था कि अगर 0 आ रहा है तो 0 को भूल जाओ, डायरेक्ट 2 को पकड़ो, तो मैंने 2 पकड़ लिया। x बराबर 2, y बराबर 0, ये वाला पॉइंट हो गया आपका x बराबर 2, y बराबर 1 आपका, ये वाला पॉइंट हो गया, मेरे को 2 पॉइंट मिल गया। मैंने 2 पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच दी, रेखा खींच दी, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, अस्मिका की जांच। अस्मिका की जांच कैसे करते हैं, जो आपका सवा अस्मिका होती है उसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अस्मिका में x की जगह 0 लिख दो और y की जगह 0 लिख दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अस्मिका की जांच में x बराबर 0, y बराबर 0 अस्मिका में रखने पर। तो मैंने यहाँ पे क्या, y तो है ही नहीं, तो x से x की जगह मैंने 0 रख दिया, 0 रख दिया, तो देखो मुझे क्या बात पता चलती है। 0, ये सवाल मुझसे क्या कह रहा है, 0 बड़ा होता है किससे, 2 से। 0 बड़ा होता है 2 से। आप सोचो दिमाग से, क्या 0 बड़ा होता है 2 से? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, 2 बड़ा होता है 0 से। तो ये मुझे गलत बात बतला रहा है कि 0 बड़ा होता है 2 से, ये गलत बात है। अगर ये गलत बात है तो ये क्या होगी, अस्मिका असंतुष्ट होगी। क्या होगी, असंतुष्ट होगी, क्लियर। तो हमने यहाँ पे लिखा है ये वाली लाइन की मूल बिंदु पर अस्मिका असंतुष्ट है, अतः इसका जो हल समुच्चय होगा वो मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा। अगर संतुष्ट होती तो मूल बिंदु की तरफ होता। इसको उतार लीजिए। हाँ जी, तो प्रश्न नंबर 1 का हम ये चौथा सवाल देख रहे हैं, क्या कहता है ये हमसे, वही हल समुच्चय ज्ञात करने हैं हमें। अब देखिए क्या पहला काम क्या है, अस्मिका को किसमें बदलना, समीकरण में बदलना। चलिए करते, ये लिखा मैंने 2x प्लस 3y और इसकी जगह कौन सा निशान आ जाएगा, बराबर का निशान, और ये हो गया 6। तो पहला काम हो गया, अस्मिका को समीकरण में हमने बदल लिया। दूसरा काम देखते हैं जी, देखिए क्या, ग्राफ बनाना, यानी 4.1 वाले सारे नियम लगाए गए। पहला काम समीकरण को जमाना, जमाए। चलिए इसमें बड़ा कौन सा है, 2x की 3y है, 3y बड़ा है तो बड़े वाले को हम इधर भेज देंगे। यहाँ मैं लिखा रह दूंगा 2x, ये हो गया मेरा 6, ये प्लस के 3x इधर जाएंगे तो प्लस के 3y इधर जाएंगे तो माइनस के 3y। अच्छा, इसके साथ 2 कहें मैं गुणा में, तो 2 को मैं कहाँ ले जाऊँगा, बटे में, क्लियर। 4.1 की तरीके से मैंने उसको जमा लिया। अब क्या करूँगा, डब्बे बनाऊँगा। डब्बे बनाने का आप जानते ही हो कैसे करते हैं, x और y किसके मान रखेंगे, y के मान क्या रखूँगा, 0, 0 से चेक करूँगा। अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ तो 6 बचेगा, और 6 में किसकी भाग चली जाती है, 2 की, ठीक है ना, क्लियर। समझा दूँ क्या, वैसे कर पहले समझा रखा है। अगर मैं ऐसे करता हूँ, क्या रखने पर, 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, तो y बराबर मैंने यहाँ पे 0 रखा है, तो x बराबर देखिए क्या आएगा, x बराबर 6 माइनस 3, y की जगह रख दिया 0 बटे में 2, ये हो गया 6, और 3 की गुणा किससे करोगे, 0 से, क्या जाएगा 0 बटे 2, ये कितना हो जाएगा आपका 6 बटे 2, 2 के बारे में 6 आता है कितनी बार, 3 बार, बात आई समझ में। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, क्लियर, ओके, ये हो गया आपका। अब एक काम और करें, y का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 6, और 6 में 2 की भाग नहीं जाती है, y बराबर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 3 बचेगा, और 3 में 2 की पूरी भाग नहीं जाती। मैं y बराबर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 6 में से 6 करा दूँगा 0, 0 में 2 की भाग गई 0, ठीक है ना, समझाते चलिए। देखिए क्या, मैं पहले दिमाग से चेक कर रहा हूँ कि रखने के बाद सवाल कैसे सोल्व होगा। अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, और 6 में से 3 घटाओगे, 3 बचेगा, और 3 में 2 की पूरी भाग नहीं जाती। तो इसके बाद क्या चेक करूँगा, 1 के बाद 2, अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये 3 दूनी 6, ये 6 प्लस ये 6 माइनस के बन जाएंगे 0, और 0 में 2 की भाग जाती है, ठीक है ना। तो मैं y बराबर 2 रखूँगा, क्या रखूँगा, y बराबर 2 रखने पर, क्या रख रहा हूँ मैं, y बराबर 2, y बराबर 2 रखने पर x बराबर कितना आएगा, 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, ये आ गया 6, 3 की गुणा 2 से करोगे 6 बटे में 2, 6 में से 6 गए 0 बटे 2, और 0 में 2 की भाग दोगे 0,
ये आ गया आपका ज़ीरो। क्लियर है? ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था आपको, पहला काम हो गया अस्मिका से समीकरण बनाना, दूसरा काम समीकरण से क्या बनाना, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाते हैं, चलिए ये लीजिए, ठीक है, ग्राफ मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे। क्लियर, ये एक्स है और ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई है और ये आपका वाई डैश है, ये आपका मूल बिंदु हो गया। एक्स के मान 3 तक जा रहे हैं तो मुझे 4 तक ले लेने हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और ये हो गए आपके 4। वाई के मान 2 तक जा रहे हैं, इसका मतलब मैं 3 तक ले लूँगा, 1, 2, 3, चाहूँ तो मैं नीचे की साइड भी लिख लेता हूँ, 1, 2, 3। क्लियर है? ओके, अब रखते हैं कोऑर्डिनेट, y बराबर 0 पर x बराबर 3। मैंने सीधा सीधा आपको ये बोला है कि अगर 0 आ रहा है तो आप 0 को मत देखो, डायरेक्ट 3 को देखो, x बराबर 3 का है, ये रहा, ये मिल गया मुझे पॉइंट। क्लियर कट बात करता हूँ, ठीक है ना जी, ये मार्कर मिल जाए मुझे, हाँ तो ये आ गया मेरा पॉइंट। क्लियर? अच्छा, अब आगे वाले जोड़े को देखो, x बराबर 0 है, y बराबर 2, मैंने कहा 0 वालों को भूल जाओ, डायरेक्ट 2 को पकड़ो, तो 2 का है आपका, ये रहा। क्लियर? तो एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, सही है, बहुत आसान है। अब क्या करूँगा, इसको इससे मिलाते हुए लाइन खींच दूँगा, ये मैंने लाइन खींच दी, ये आप जानते हो बिल्कुल वो कर रहा है जो 4.1 में करा है। ये कौन से समीकरण के लिए लाइन है, इस वाले समीकरण के लिए, या कह लो इस वाली अस्मिका के लिए ये लाइन आ गई हमारी, 2x + 3y = 6। क्लियर? चलिए देखिए, एरो के निशान बनाया करो जब हम ये लाइन खींचते हैं सीधी सीधी। अच्छा, अभी एक बात करनी है, अब क्या काम करेंगे, अस्मिका की जांच, क्या करेंगे, ग्राफ बन गया, अस्मिका की जांच करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अस्मिका की जांच, जांच देखिए कैसे करते हैं, एक्स और वाई बराबर 0 रख देंगे अस्मिका में, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, अस्मिका में, किस में, अस्मिका में। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, अस्मिका में एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 रखने पर, रखे, चलिए रखते हैं। ये मेरे पास अस्मिका है, अस्मिका क्या है, 2x + 3y और लेस देन 6 रख दिया मैंने। यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे y की जगह 0 रखूँगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, 0, क्योंकि 3 गुणा 0 से करोगे 0 आएगा और ये हो गया आपका 6, ठीक है। अच्छा, 0 में 0 जोड़ोगे 0 और ये हो गया आपका 6, यहाँ से मैं बराबर का निशान हटा देता हूँ, 6, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 6 0 से बड़ा होता है, इसको आप ऐसे बोल लो, क्या 0 6 से छोटा होता है। देखो ये कह रहा है 0 छोटा है किससे, 6 से, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही है, सही है, तो कैसा होगा ये, संतुष्ट। तो देखिए इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके आगे का, ठीक है ना, मूल बिंदु, मूल बिंदु 0 0 पर अस्मिका क्या हुई, संतुष्ट, अस्मिका संतुष्ट है, अतः हल समुच्चय मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी हल समुच्चय का क्षेत्र कह लो आप, हल समुच्चय का क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, ठीक है ना, सही है, जिसे हम छायांकित करके क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। क्लियर है? तो देखिए कैसे करोगे आप, मैंने क्या कहा था, एरो के निशान इस साइड बना देना, मूल बिंदु की तरफ बना देंगे, अगर ये मूल बिंदु की तरफ इसका क्या है, हल क्षेत्र है। क्लियर है भाई, सही है, साफ साफ ये हमने शो कर दिया है। क्लियर? आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, शेडिट भी कर सकते हो, पर मैं शेडिट नहीं करता, मैं खाली एरो के निशान बना देता हूँ इसलिए, ठीक है, ओके, क्लियर है भाई। चलो फटाफट एक एग्जाम दे, मतलब फटाफट इसको देख लेते हैं।
अस्मियों को किसमें बदला, समीकरण में। समीकरण से फिर हमें ग्राफ बनाना था, ग्राफ वाले सारे हमने नियम लगा दिए, सवाल को जमाया, जमाने के बाद x और y के मान रखे और x के मान निकाले, निकालने के बाद मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद मैंने क्या करी, अस्मिका की जांच करने के लिए क्या करते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0 रख देते हैं। तो ये मैंने अस्मिका में x बराबर 0 रखा, 0 के गुणा 2 से करोगे 0 आ जाएगा, y रखा y की जगह 0 रखा, 3 गुणा 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आ गया। हमसे ये कह रहा है कि ये सवाल कह रहा है कि 0 छोटा होता है 6 से, आपको देखना है ये सही है कि गलत है बस, ठीक है। अगर ये सही है तो संतुष्ट है और गलत है तो असंतुष्ट है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 4 आते हैं, तो आप कहोगे सर सही बात है, हाँ 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये क्या कराएगा संतुष्ट है। और अगर मैं आपसे बोल दूँ 2 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, तो ये गलत बात हुई ना, तो ये क्या कहलाएगा असंतुष्ट। तो सही बात है तो संतुष्ट और गलत बात है तो असंतुष्ट। तो 0 6 से छोटा होता है, ये हमसे कह रहा है 0 छोटा है 6 से, सही बात है, सही बात है तो क्या है ये संतुष्ट है, यानी अस्मिका क्या है संतुष्ट। और अस्मिका संतुष्ट होगी तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगे, और अस्मिका संतुष्ट नहीं होगी तो हल क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की तरफ होते, ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। मूल बिंदु पर अस्मिका संतुष्ट है, अतः हल समुच्चय का क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, इसको उतार ले। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं हमसे क्या कहता है, निम्न अस्मिकाओं का आलेख्य विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे 3 सवाल है, पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा यहाँ पे एक नए वर्ड आ रही है, दो खड़ी हुई लाइनें जिसको हम मापांक या मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में मापांक कहते हैं। तो यहाँ पे भी लगा हुआ, यानी सवाल में मापांक है, अस्मिका है और साथ में क्या है मापांक है। इस वाले सवाल, ये सवाल आपका पहले जैसे ही सवाल है, बस इसको थोड़ा क्या कर लेंगे, जमाना बाकी है, जमाना इसको दिखा देता हूँ आपको। ये 3x कहेंगे प्लस के, ये x कहेंगे है प्लस का, इसको इधर लेके जाओगे तो कहेंगे आ जाएगा आपका ये माइनस का, ठीक है, ये माइनस के 2y है ऐसे कैसे, ये y कहेंगे प्लस का, इसको इधर लेके जाओगे तो कहेंगे आ जाएगा आपका माइनस का, और ये क्या है आपके माइनस के 8। थोड़ा जमा ले, 3x में से x घटाओगे कितना आ गया आपके 2x हो गए, और माइनस के 2 और माइनस का 1y कितना हो गया माइनस के 3y, और ये होगा माइनस के 8, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसका जो पहला सवाल मैंने आपको कराया है उसके चौथे जैसा हो गया, तो उसको चौथे की तरीके से क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये वाला और ये वाला सवाल देखिए, मैं इसमें से आपका कौन सा सवाल करा रहा हूँ, आपका ये वाला सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना, तीसरा सवाल, और सेम इस पैटर्न पर ये हो जाएगा। ये बड़ा सवाल है इसलिए आपको ये वाला मैं करा देता हूँ, चलिए ठीक है करें। तो मैं ये वाला सवाल ले रहा हूँ, तीसरा वाला सवाल, इसमें क्या है आपका x माइनस वाई, अस्मिका दे रखी है मापांक के साथ, x माइनस वाई ये मापांक लगा हुआ है, और ये क्या है आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए मापांक कैसे हटाते हैं वो हमें सीखना है। तो क्या करोगे, x माइनस वाई लिख लोगे आप, लिख लिया, ये साइन ऐसे का ऐसे अस्मिका का, और ये 1, ठीक है। मापांक में क्या करते हैं, ये वाला साइन वापस लगाते हैं जब हम मापांक हटाते हैं, ये वाला साइन वापस लगाते हैं, और ये जो अगर आपकी प्लस की वैल्यू है तो हम इसको कहीं में लिख देंगे माइनस में, और अगर ये माइनस में होती तो कहीं में लिख देते प्लस में, क्लियर है, ओके। चलिए आगे करते हैं, अब क्या करना है, समझ गए मापांक कैसे हटाते हैं, पहले ऐसे कैसे लिख दो मापांक हटा के, फिर ये वाला साइन वापस लगा और माइनस की वैल्यू रख दो, पहला काम। अब आगे करते हैं, अब क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई लेंगे, क्या लोगे, एक्स माइनस वाई लोगे और उसके साथ क्या लिख दोगे, 1 लिख दिया, यानी ये वाली टर्म लिख दी मैंने, क्लियर। अच्छा अब आगे वाले लिखेंगे, कौन सी वाले, वापस से x माइनस वाई लोगे, ये वाला साइन बदल दोगे और ये वैल्यू क्या लिख दोगे यहाँ पे, बात समझ में आई। तो मैंने क्या करा, x माइनस वाई के साथ ये वाली लिख दी, x माइनस वाई लिखा, ये वाला साइन लगाया, 1 लिख दिया। अब मैं ये वाला लिखूंगा, x माइनस वाई लिखा, जब मैं ये वाली वैल्यूज के साथ लिखने जाऊँगा तो ये वाला साइन क्या कर दूंगा मैं, बदल दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने ये वाला साइन बदल दिया, देखो बराबर का निशान आ गया, ये ग्रेटर देन का था, ये मैंने लेस देन का लगा दिया और माइनस वाली वैल्यू लिख दी। माइनस वाली वैल्यू के साथ ये करना होता है, यानी इसके साथ इसको बदल के यहाँ लिख देते और ये वाली गिनती ऐसी की ऐसी आ जाती है। अब ये बिल्कुल आपका पहला जैसा सवाल हो गया, अरे पर इसके अंदर 2 सवाल आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इससे समीकरण बना लूँगा, समीकरण बनाने के लिए एक्स माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 1, और इसका समीकरण बनाऊँगा एक्स माइनस वाई बराबर क्या आएगा, माइनस 1, क्लियर है। इसको जमा लूँगा बिल्कुल, फिर ग्राफ बनाना है मेरे को, तो x हो गया ये माइनस का वाई है, आप इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस का वाई हो जाएगा, जम गया, ऐसे ये है ये माइनस का वाई है, आप इसको उधर ले जाओगे कहीं का हो जाएगा ये प्लस का वाई हो जाएगा। फिर क्या बना लोगे, इसके लिए आप डब्बे बना लोगे, ये आपने डब्बे बना लिए, यहाँ x का मान आ जाएगा, यहाँ y का मान आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी डब्बे बना लिए, यहाँ पर x का मान और
वाई का मान। ठीक है, अब मुझे बताइए किसका मान रखना है, वाई का मान। वाई बराबर क्या रखूँगा मैं, जीरो। जब मैं वाई बराबर जीरो रखूँगा तो एक्स बराबर क्या आएगा, एक। देखिए वाई बराबर ज़ीरो रखने पर एक्स बराबर क्या आएगा, वन प्लस ज़ीरो बराबर वन, ये वन आ गया। वाई बराबर अब क्या रख दूँ, एक रख दूँ तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक प्लस एक बराबर दो। ठीक है ना, तो वाई बराबर एक रखने पर ये कितना आ गया, एक्स बराबर दो। इधर बात कर लेते हैं, इधर वाई बराबर क्या रखूँगा मैं, ज़ीरो। वाई बराबर ज़ीरो रखने पर एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस वन प्लस ज़ीरो, क्या आएगा, माइनस वन। क्लियर, तो ये रखा हमने ज़ीरो और ये आ गया माइनस वन। अब क्या करूँगा, वाई बराबर मैं एक रख दूँगा, वाई बराबर एक रखने पर ये माइनस का वन ऐसे का ऐसे ही प्लस एक, तो माइनस का एक प्लस का वन क्या हो गया, ज़ीरो, तो ये आ गया आपका ज़ीरो। तो वाई बराबर एक रखने पर एक्स बराबर आपका आया ज़ीरो। अब क्या काम करना होता है, अब काम करना होता है आपका ग्राफ बनाना। तो ये हम ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है और ये आपका वाई डैश है। सही है जी, मान रखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। देखिए एक्स का मैक्सिमम मान दो है तो मैं तीन तक लिख लूँगा यहाँ पे, एक दो तीन। सही है जी, ओके। और इधर भी लिख लेते हैं माइनस एक माइनस दो, क्योंकि ये माइनस एक से ज़्यादा जा नहीं रहा है तो मैं माइनस दो तक ले लूँ। ठीक है ना, y के मान देखिए आप मैक्सिमम एक जा रहा है तो मैं दो तक लिख लूँगा, एक दो। इधर भी लिख लूँ माइनस एक माइनस दो। अब ज़रा कोऑर्डिनेट लिखने की बात आती है, तो पहले इस वाले के लिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x बराबर वन वाई बराबर जीरो। देखो इस पेयर में जीरो आ रहा है, जीरो को देखो ही मत, सिर्फ x देखो, x बराबर एक कहाँ है, ये रहा, ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरे जोड़े में देखो x बराबर दो है, y बराबर एक है, x बराबर दो ये रहा, y बराबर एक ये रहा, यानी पॉइंट मेरा ये आ गया। ठीक है जी, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली लाइन खींच दूँगा, इसके लग के बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, ये लीजिए। ठीक है, ये किस अस्मिका के लिए है, ये इस वाली अस्मिका के लिए है, तो ये मैं अस्मिका को यहाँ पर लिख दूँगा, ये हो गया एक्स माइनस वाई और ये लो जी। ठीक है ना, अब ज़रा इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x बराबर माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन ये रहा और y क्या है, जीरो। तो भैया सीधा x बराबर माइनस वन पकड़ूँगा, यानी ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए x बराबर जीरो, y बराबर एक, इसमें भी जीरो आ गया तो डायरेक्ट y को देखो, y का है आपका ये रहा। चलिए ये मेरे दूसरा पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंटों को टच करती हुई लाइन खींच दूँगा जो इन दोनों पॉइंटों से होके क्या जाए। ठीक है, ये लीजिए साहब, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, पर मैं ग्राफ ले आया हूँ, आज लेके आ गया हूँ, तो मैं आपको क्या करूँगा, ग्राफ बना के भी दिखाऊँगा। ठीक है ना, चलिए अभी तो ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, मेरे ख्याल से ये आपकी थोड़ी ये ऐसे जाएगी। चलिए कोई नहीं, ग्राफ में बना के दिखाएंगे तब आपको ये आ जाएगा बनाना। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या है अस्मिका, अस्मिका किस अस्मिका के लिए आया ये, इस वाली के लिए, x माइनस वाई बड़ा होता है माइनस एक से। क्लियर है, अब क्या करेंगे, अस्मिका की जांच करेंगे, ग्राफ बन गया, अस्मिका की जांच, अस्मिका की जांच। अब जांच में मैंने आपको बता रखा है अस्मिका में x बराबर वाई बराबर क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं। तो पहले ये वाली अस्मिका ले लेता हूँ मैं, x माइनस वाई, ये तो x का मान आपने ज़ीरो रखा और y का मान भी क्या रखा आपने, ज़ीरो रखा, ये हो गया आगे। ठीक है, तो ज़ीरो में से ज़ीरो घटाओगे क्या जाएगा आपका, ज़ीरो आ जाएगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, कहाँ कर दूँ, जगह ख़त्म हो चुकी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे कर देता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ लिख देता हूँ ज़ीरो और ये हो गया आपका एक। ठीक है ना, आप मुझे एक बात बताइए, क्या जीरो एक से बड़ा होता है, क्या जीरो एक से बड़ा होता है, हम कहेंगे नहीं होता, हम वैसे जानते हैं, यानी तो इसका जो हल समुच्चय होगा वो मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा। समझ गए, ये अस्मिका क्या नहीं हो रही है, संतुष्ट नहीं हो रही, क्योंकि जीरो एक से बड़ा नहीं होता। तो इस वाले अस्मिका के लिए जो हल समुच्चय क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा, मतलब आप इस साइड बना दोगे। ठीक है जी, इस साइड,
या आप इसको शेडिड भी कर सकते हैं, मैं लाइनें बना रहा हूँ खाली। इस वाले के लिए करते हैं अस्मिका की जांच। अस्मिका क्या है हमारी, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे आपने ज़ीरो रखा, यहाँ पे आपने ज़ीरो रखा, ये माइनस एक, ज़ीरो से ज़ीरो कटाओगे ज़ीरो। क्या ज़ीरो माइनस एक से छोटा होता है? नहीं होता, ज़ीरो बड़ा होता है माइनस एक से, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ज़ीरो माइनस एक, एक दो ऐसे चलता है, तो भाई ये जो ज़ीरो है ना ये इस माइनस एक से तो बड़ा है, ठीक है ना, तो ज़ीरो बड़ा रहता है। इस साइड जाओगे तो वैल्यू घटती है, इस साइड आओगे तो वैल्यू बढ़ती है, तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई है, यानी ये संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ज़ीरो एक से बड़ा होता है, जबकि हमको कह रहा है ज़ीरो छोटा होता है एक से। तो इस वाली अस्मिका के लिए भी हल क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, किस साइड होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो मैं इससे आगे की बात यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये इसके नीचे लिखना है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से हल क्षेत्र जो होगा बाहर की तरफ होगा, कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अस्मिका क्या है, असंतुष्ट है। और ये वाली बात आप कहाँ लिख दोगे, इसके नीचे, सही है, मूल बिंदु से हल क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, ओके। ये पूरा पूरा फिर भी एक ब्रीफ में ज़रा मैं रिपीट मार देता हूँ फटाफट। हमने क्या करा, हमने ये वाला सवाल लिया, यहाँ मापांक लिखा हुआ था, मापांक वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मापांक हटाते हैं। मापांक कैसे हटाते हैं, ये वाली चीज़ हमने ऐसे की ऐसे लिख दी है, और फिर क्या करते हैं, ये वाला साइन यहाँ लगाते हैं, और ये वैल्यू अगर प्लस में तो कहीं में लिख देते हैं, माइनस में, ठीक है ना, ओके। फिर हमने क्या करा, एक्स माइनस वाई के साथ एक बार ये वाली बात लिख दी है, और एक्स माइनस वन के साथ एक बार ये वाली बात लिख दी है। तो इस वाली बात को जब हम लिखने जाएंगे माइनस वाली को, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, तो एक सवाल ये तैयार हो गया, एक सवाल आपका ये तैयार हो चुका है, ठीक है ना। इससे हमने समीकरण बनाया, समीकरण को जमाया, उससे डब्बे बनाए, डब्बे से हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी हमने ये काम कर लिया है, अस्मिका से समीकरण बनाया, उसको जमाया, जमाने के बाद डब्बे बनाए, डब्बे से हमने ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के बाद हमें जांच करनी थी कि ये अस्मिका संतुष्ट है या असंतुष्ट है। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी अस्मिका होती है उसमें एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह क्या रख देते हैं, ज़ीरो रख देते हैं। ये सोल्व करने के बाद हम नीचे जब पहुँचे तो हमने देखा कि ये अस्मिका, ये हमें कह रहा है सवाल कि ज़ीरो बड़ा होता है एक से। हमने सोचा क्या जीरो एक से बड़ा होता है, नहीं होता, यानी ये अस्मिका क्या हो गई, असंतुष्ट। ऐसे मैंने इसको सोल्व किया, एक्स बराबर वाई, एक्स और वाई की जगह जीरो रखा, और हमने देखा कि ये हमसे कह रहा है कि ज़ीरो छोटा होता है माइनस एक से। ये बात तो गलत है, क्योंकि ज़ीरो बड़ा होता है माइनस एक से, इसका मतलब ये वाली अस्मिका भी क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई। और जब अस्मिका असंतुष्ट होते हैं तो उनके जो हल क्षेत्र होते हैं वो मूल बिंदु से बाहर की तरफ होते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 4.2 के तीन सवाल करे, जो मुझे लगा अच्छे मैंने आपको करा दिए। वैसे ये 4.2 एग्ज़ाम में आती नहीं है, आज तक तो आई नहीं है, और क्योंकि इसमें से 4.1 में से सवाल आते हैं, जो आपका 6 नंबर का आता है, इसमें मैंने आपको तीसरा, चौथा और पांचवा कराया था, ठीक है ना, ओके। अब रह गया आपका एक ग्राफ, ग्राफ बनाना, और मैं कॉपी के अंदर सिखाता हूँ ग्राफ, कॉपी के अंदर की ग्राफ कैसे बनाए। अब आपको, आपके लिए, आप हमारे लिए काम कर देना। वो काम क्या है भाई, कि अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और ये चीज़ समझ में आई अच्छे से, तो हमारा चैनल क्या करोगे, लाइक कर दोगे, कमेंट्स कर दोगे, शेयर कर दोगे। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आराम से पूछ सकते हो, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। चलिए तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए घर पे अच्छे से, है ना, मन लगा के कीजिए, ओके।